सो है व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे अपनी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम अम्फला से। तो अभी जम्मू पहुंच गए हैं और आउटफिट चेक करो पहले। आप सोच रहे हो कि कहाँ पे जा रहे हैं, तैयार व्यार होके। तो अभी हम जा रहे हैं बारात में। बारात किसके भाई? भाई मामू की बारात है। तो अभी मैं अपनी आउटफिट चेक कराऊंगा वहाँ पे पहुँच के, क्योंकि अभी तो गाड़ी में बैठा हूँ, अभी तो बता नहीं सकता। और बाइक की भी वहीं पे जाके बताऊंगा, तो अभी थोड़ा वेट कर रहो। और पीछे बैठे हैं दादू जी, और पीछे एक गाड़ी, और यहाँ पर थोड़ी सी कैप डाली है, वो बकवास लग रही है दादू को। जो हम स्कूल में डाल के जाते थे ना, वो डाली है। तो हम बोल रहे हैं खोल दो, खोल नहीं रहे हैं। उनको करेंगे ना चाचू को, चाचू को बोलेंगे, चाचू खिलवा देंगे। तो अभी भाई अभी थोड़े बंदे गए हैं कुछ सामान लेने, बारात में जा रहे हैं। खोलूंगा तो अभी कुछ बंदे गए हैं थोड़ा सामान लेने, सामान मतलब समझ जाओ। अभी बारात में जा रहे हैं तो ज्यादा बोल नहीं सकते। तो अभी जैसे वो आते हैं साथ में, फिर चाचू और की गाड़ी पीछे आ रही है, बारात वालों की सभी की गाड़ी पीछे है। तो जैसे हमारे साथ इधर पहुंचते हैं अम्फला में, तो फिर उनके साथ साथ निकलेंगे। तो बाकी फिर जो भी आगे रहता है तो फिर आपको बताते हैं। तो फाइनली गाइस अभी पहुंच गया शादी में, बट यहाँ पे काफी ज्यादा शोर है और कुछ सुनाई तो देगा नहीं। बट चलते हैं सीधा आगे, यहाँ पे रिबन कट कर रहे हैं, तो चलते सीधा आगे। तो गाइस यहाँ पे हो रही थी मिलनी, जैसे कि जम्मू के लोगों को तो पता ही होगा, बाहर में पता नहीं क्या बोलते हैं या करते हैं, नहीं पता मेरे को, बट वो कम्प्लीट हो गया। तो अभी यहाँ पे होगा रिबन कट, जैसे होता है फिर आपको पूरा बताता हूँ मैं। तो इसके मामू की शादी है, मतलब मेरे ही मामू लगे। तो अभी यहाँ पे होना है रिबन कट, तो अभी जैसे वो आते हैं तो फिर आपको बताते हैं। सो गाइस बाकी वाले तो अंदर चले गए, बट हमारे मामू जी नहीं आ रहे कब से अंदर, तो अभी उनको लेने जा रहे हैं। चाचू बोल रहे हैं गुस्सा हो रहे हैं भाई कब से, कि कब से बारात अंदर चले गए बट हमारे मामू जी नहीं पहुंच रहे हैं। तो अभी चलते हैं भाई, उनको पूछते हैं क्या चक्कर है। गाइस अभी हमारे मामू जी बैठे हैं अंदर, और यहाँ पे चल रहे पोस्ट फोटो वगैरह चल रहे, फोटोग्राफर काफी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो भाई बंदे तो लोग तो सारे अंदर चले गए, बट काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। तो अभी देखते हैं भाई क्या सीन रहता है, तो चलते हैं अंदर। मामू कैसे हो? बहुत बढ़िया। और बढ़िया तो गाइस अभी मामू जी तो आ गए हैं, ये खड़े हैं। तो अभी देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है, तो बस जल्दी से रिबन कट हो जाए, उसके बाद चलेंगे सीधा अंदर, और फिर जाते सीधा करेंगे डांस। तो बाकी खाना पीना तो बाद में रहेगा। बाकी बानू ये खा रहा है, इसकी आउटफिट देख लो भाई, ये देखो क्या लग रहा है, ये देख लो। तो बाकी ये चाचू ये खड़े हैं। गाइस अभी मामू जी तो पहुँच गए हैं, अब बस रिबन काटना है, उसके बाद जाना है अंदर। तो अभी भाई यहाँ पे रिबन काटेंगे ना, मज़ा तो यहाँ पे आने वाला है, तो काफी ज्यादा मजाक मस्ती होने वाली है। तो अभी भाई जल्दी सीधा आगे, तो रिबन कट करना है अभी, अभी देखते क्या सीन रहता है। यहाँ पे ये मान नहीं रहे भाई, ऐसी ये मान नहीं रहे हैं भाई, हम 2100 बोल रहे हैं, अभी देखते हैं कितना बनता है। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट, रिबन तो कट कर दिया, अभी सीधा बैठेंगे वहां स्टेज पे जाके। तो अभी हम सीधा करने वाले डांस भाई, तो गाइस अभी हमने डांस वगैरह तो सब कर लिया, तो अभी चल रहा सीधा खाने के लिए। तो एक भाई यहाँ पे खड़े हैं भाई, माय बिग फ्रेंड, माय बिग फ्रेंड, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, नितिन कुमार ब्लॉग सर्च करना तो सब्सक्राइब कर देना, मेरे 5K।
5000 थोड़े ही हैं अभी, बाद में 1000 सब्सक्राइब। तो दिव्यांश को लाइक सब्सक्राइब कर दो, तो हमारा एक सब्सक्राइबर बनने वाला है, तो हम चलते हैं सीधा भाई फूड खाने के लिए, क्योंकि डांस वगैरह तो काफी ज्यादा हो गया। अभी हमने खाना तो वगैरह तो खा लिया सभी, तो अभी हम खा रहे हैं जलेबी भाई। खाने वगैरह कोई खाने के बिना कुछ मतलब खाने के बाद कुछ मीठा तो होना चाहिए, मेरा दिमाग खराब हुआ मैं क्या बोले जा रहा हूँ। तो अभी इसको खाते हैं, तो फिर चलते हैं अंदर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी मॉर्निंग हो गया भाई, कल रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर घर पे आके मैंने ब्लॉग को एंड करा नहीं था, तो अभी वही 12 बज रहे हैं भाई, तो अभी मैं उठाऊँ अभी नहीं उठा फिलहाल, तो मतलब 2 घंटे तो हो गए मैक्सिमम उठे हुए मुझे। तो अभी मैंने बनाई है पहले तो मैगी भाई खाने के लिए, क्योंकि मम्मा तो वह थे नहीं आज, वो नानी कर रहे हैं, क्योंकि यार शादियाँ 3-4 भाई लगातार चल रही हैं, तो एक दिन भी मिस नहीं है, तो टाइम ही नहीं लग रहा भाई। तो फिर मम्मा नानी घर ही रहे थे, उधर ही शादी थी, तो फिर अभी मैंने खुद खाना बनाया अभी सुबह। ये देख लो मैगी और चपाती बना दी थी दादी ने, वहाँ से ला दिया मैंने, तो अभी इसको खाते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। और शादी में भाई मैंने कुछ खाया नहीं था बिल्कुल, थोड़ी सी रोटी खाई थी और एक दो चीज़ और खाई थी, वो भी मेरे को याद नहीं है। तो अभी सीधा आपको मिलेंगे डिनर वाले ब्लॉग में, तो अभी मिलते हैं आपको सीधा डिनर वाले ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।